हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू श्यामाज मेकओवर चैनल। बताना चाहती हूँ, ये जो हेयर कलर की बिफोर आफ्टर ये जो वीडियोस हैं, ये लॉकडाउन के पहले की वीडियो है। बिफोर हेयर कलर यू कैन सी गाइस बहुत ज़्यादा डार्क है, ब्लैक है, या एंड देन यू कैन सी आफ्टर, वाओ लवली एंड ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग हेयर कलर। Thank you so much, Shama. The color, hair color is looking really, really nice. And I would really recommend all of you to please come here and get this makeover through Shama. She really does wonders to your hair. Please do follow her channel as well on YouTube. She's perfect in terms of hair transformation. My hair is looking really nice. Thank you so much. You're most welcome. Thank you. Thank you so much. You're most welcome. Thank you. Yes guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हेयर कलर। बिफोर सो डार्क एंड आफ्टर अमेजिंग ब्यूटिफुल लाइट हेयर कलर। यस गाइस, वंस अगेन वेलकम टू श्यामास मेकओवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ गाइस, बताना चाहती हूँ कि आज का जो ट्यूटोरियल है होने वाला है डार्क टू लाइट हेयर कलर, नो ब्लीच। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस ब्यूटिफुल हेयर कलर को मैंने ब्लीच लगा के बिल्कुल भी नहीं किया है। और आज के पूरे ट्यूटोरियल में मैंने वन ड्रॉप भी ब्लीच नहीं किया है। आज का ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत इजी हेयर कलर ट्यूटोरियल। टेक्निक जो मैं यूज़ करूँगी वो होगा फॉलियाज, और हेयर कलर जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, जी हाँ, लॉरियल का मेजलिप के शेड्स यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शेड्स मैं मिक्स करने वाली हूँ। लेकिन गाइस, बताना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये हेयर कलर मैंने किया कैसे है। और बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और बताना चाहती हूँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। Yes guys, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेक्शनिंग किया है। पहले मैंने क्राउन सेक्शन लिया है, और उसके बाद फ्रंट से आप देख सकते हैं रेडियल सेक्शन को, दो सेक्शन को मैंने नॉट्स बांध दिया है। जी हाँ गाइज, आप इस तरह से नॉट्स भी बांध सकते हैं, और बैक से आपने देखा ये सेक्शन। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल मेजलिप का 12.5 एंड 13 नंबर। 12.5 चॉकलेट ब्राउन है, और 13 नंबर जो है हनी शेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 वॉल्यूम मैंने लिया है, और मिक्सिंग रेशो होगा 1:2। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डायगनल बैक सेक्शन लिया है, और थिक थिक चंक्स ले रही हूँ, बैक कमिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैं फॉइल पेपर लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं फॉइल पेपर के साथ जो कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ, नीचे नीचे एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं सबसे पहला शेड जो मैं ले रही हूँ वो है 13 नंबर, जो कि है हनी शेड। और अच्छे से अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप ये वाला कलर अप्लाई करते हैं, देन यू कैन सी दैट अच्छे से अप्लाई करना है, राइट? सो नाउ अगेन आई एम टेकिंग डायगनल बैक सेक्शन। जी हाँ, बताना चाहती हूँ कि जो दूसरा सेक्शन मैंने लिया है वो है डायगनल बैक सेक्शन। अब मैं कलर एप्लीकेशन करने वाली हूँ मेजलिफ्ट का 12.5, विच इज़ कॉल चॉकलेट ब्राउन, विच इज़ माय फेवरेट हेयर कलर। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो दैट यू नो दैट दिस माय फेवरेट कलर। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थिक थिक चंक्स लिया है, डायगनल बैक लिया है, चार ही मैंने हाइलाइट्स लिया है ना। और उसके बाद बैक कमिंग किया है, एंड उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जी हाँ, 12.5 को मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो बताना चाहती हूँ गाइस कि इसी तरह अपनी एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो इस तरह से अपने लेफ्ट साइड का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड देन जब कंप्लीट हो जाएगा देन यू हैव टू गो अगेन राइट साइड. अब आपको क्या करना है, राइट साइड का पोर्शन कंप्लीट करना है. राइट साइड भी आपने इसी तरह ही अप्लाई करना है. तो ये शेड है, जी हाँ बताइए क्या शेड है ये. जी हाँ ये है 13 नंबर, मतलब हनी शेड. एंड उसके बाद आप देखिए जो मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ. और मैं बताना चाहती हूँ जब आप इस टेक्निक से करेंगे, फॉलियास टेक्निक से करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग बात है जब आप इस टेक्निक से करते हैं आपका जो हेयर कलर है बहुत ही ब्लेंडिंग होता है. और सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत मर्ज हो जाता है. आप देख सकते हैं अगेन दूसरा सेक्शन में ले रही हूँ डायगोनल बैक, ठीक है. तो मैं बात कर रही थी मर्ज हो जाता है और अमेजिंग ब्यूटीफुल हेयर कलर भी होता है. और सबसे अच्छी बात है गाइस कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ है ब्लीच, कोई ब्लीच नहीं है. मेरे पास एक इंस्टाग्राम में मैसेज आया था क्लाइंट का एंड शी सेड कि जो मेरा कलर है उन्होंने प्री लाइट किया उसके बाद वो अप्लाई कर रहे हैं. देखो मैं दिखाती हूँ आपको उनका मैसेज यहाँ पे. आप देख सकते हैं राइट साइड में उनका मैसेज. कैन इमेजिन अगर जब कलर वर्जन हेयर में डायरेक्ट आता है तो वाई विल यूज़ ब्लीच, राइट. मुझे एक ही चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब कलर आ जाता है वर्जन हेयर में तो क्यों ब्लीच करना. जब हम ब्लीच करते हैं तो कलर ही नहीं आता, कैरमल भी नहीं आएगा और ना ही वो शेड आएगा हनी का, गोल्डन गोल्डन ही आता है, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में मैंने कंप्लीट किया, राइट में कंप्लीट किया. अब जब आप दोनों तरफ से कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे जो सेक्शन है कुछ इस तरह बन जाएगा. तो आपने क्या करना है, इस सेक्शन में आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है. पहले तो आपने डायगोनल बैक लिया, अब आप लेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3. यहाँ पे मैंने 3 ही हाइलाइट्स लिया है, मोटा मोटा बैक कमिंग कर रही हूँ. और यहाँ पे जो मैं फॉइल पेपर के साथ कलर एप्लीकेशन लगाऊंगी. तो मेक श्योर गाइस, ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात यही है कि जो कलर आप नीचे लगाते हो वो शेड ऊपर नहीं लगाएंगे, एक ओवरलैप करना है. अगर आप 13 नंबर लगा रहे हैं तो उसके बाद आप लगाओगे 12.5 लगाया तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 13 नंबर अकॉर्डिंग टू फॉइल पेपर. पहले चेक कर लेना आपने कि लास्ट फॉइल जो है आपने कौन सा कलर लगाया, ठीक है. इसी तरह आप फ्रंट में आएंगे, लेफ्ट साइड में कंप्लीट कर रही हूँ डायगोनल बैक के साथ. सेम वे लेना है, डायगोनल बैक सेक्शन लिया है मैंने और इसी तरह लेफ्ट का पूरा कंप्लीट करूँगी फिर राइट वाला सेक्शन करूँगी. तो देखते रहिए कंटिन्यू, राइट. पहले 13 फिर 12.5. और बताना चाहती हूँ गाइज यहाँ पे कोई भी क्लाइंट आपको मास्क लगाते हुए नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है ये स्टॉक वीडियोस है गाइज, बहुत पुरानी वीडियोस हैं जो मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रही हूँ. जब मैं वर्किंग होती हूँ, फुल टाइम वर्किंग होती हूँ, सलोन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. तो जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं अपलोड करती हूँ. तो अभी जो लास्ट वीडियो थी वो आफ्टर लॉकडाउन थी एक दिन, ठीक है. आप देख सकते हैं एक दिन के लिए जब सलोन ओपन हुआ था दैट डे वो वीडियो जो मैंने हेयर कट की वीडियो इससे पहले जो मैंने अपलोड की है और ये वाली वीडियो तो स्टॉक वीडियोज़ हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट किया इसी तरह आपने राइट सेक्शन भी करना है. और अब मैं ये वाला फॉइल पेपर ओपन करके देख रही हूँ कि भाई कौन सा शेड किया है मैंने. कभी कभी हम भूल जाते हैं ना कि कौन सा शेड लगाया है. मैंने देखा 12.5 मैंने लगाया था. अब मैं कौन सा एप्लीकेशन करूँगी, जी अब मैं एप्लीकेशन करूँगी 13 नंबर. इसको मैंने 90 डिग्री में उठाया, बैक कमिंग किया और यहाँ पे मैं 13 नंबर लगा रही हूँ, ठीक है. सो गाइस बताना चाहती हूँ कि वीडियो को आराम से ऑन करके रख दिया करो, देख लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फिर मेरे पास कमेंट्स आता है कि मैम ऐसे नहीं था ये क्या किया आपने, ये क्या किया और कौन सा डेवलपर यूज़ किया. सो बेसिकली मेरे ट्यूटोरियल में कोई भी चीज़ मैं हाइड नहीं करती. मेरा चैनल है ये बिगनर्स के लिए. अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों के लिए मेरा चैनल है, तो डोंट वरी अबाउट इट. इसी तरह एप्लीकेशन करना है, शैम्पू कंडीशनर करना है और उससे पहले 30 मिनट्स के लिए छोड़ना है एंड देन ड्रायर एंड देन यू कैन सी वाओ ब्यूटीफुल. आफ्टर एप्लीकेशन 30 मिनट के लिए छोड़ा, शैम्पू कंडीशनर किया, सेटिंग किया एंड यू कैन सी हेयर लवली एंड अमेजिंग. देख सकते हैं आप इनका बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. कितने ज़्यादा ब्लैक थे बाल. और मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये क्लाइंट है शी हैज जस्ट गॉट डन फर्स्ट टाइम दिस हेयर कलर. जी हाँ इन्होंने फर्स्ट टाइम ये हेयर कलर कराया और शी वॉज़ वेरी हैप्पी. आप एक एक स्टैन को देख सकते हैं, बहुत ही नेचुरल ब्राउन आया है, हनी शेड भी विजिबल है और कैरमल भी जो है आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है. चॉकलेट ब्राउन भी इतने अच्छे से दिख रहा है. और यू नो सबसे इंटरेस्टिंग बात है गाइस कि जो बात है वो यही है कि इस हेयर कलर में बिल्कुल भी मैंने ब्लीच नहीं यूज़ किया है.
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे मोस्टली वीडियो में मैं विदाउट ब्लीच ही करती हूँ, अगर वर्जन है तो मैं ब्लीच अवॉइड करती हूँ. एंड यू कैन सी इट लाइक अमेजिंग राइट, बिफोर आफ्टर आप देख ही सकते हैं. सो गाइस, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगता है ये ट्यूटोरियल, अगर आपको 1% भी अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो और लोग भी देख सके कि बिना ब्लीच के भी कलर बहुत ब्यूटीफुल लगता है और कर भी सकते हैं. जी हाँ, काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं जिनको ब्लीच बिल्कुल भी नहीं पसंद, ब्लीच नहीं कराना चाहते, इवन दो मैं भी ब्लीच अवॉइड करूँगी फॉर माई हेयर राइट. सो गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने आज के ट्यूटोरियल से क्या सीखा और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं. आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप आगे क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके ही जो भी रिक्वायरमेंट वीडियोस होगी तो मैं लेके आऊँगी और आप लोगों को सिखाऊँगी, क्योंकि मेरा चैनल है बिजनेस के लिए. एंड थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू दैट यू वॉच माई वीडियो टिल द एंड, मे गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं अमेजिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत अमेजिंग, देखते रहिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय.